आप जो मेरे पीछे फोर्ट देख रहे हैं, ये वही फोर्ट है जो इंडिया ने लिया हुआ है, और इसी फोर्ट पर इंडिया अफगानिस्तान और ईरान का ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ फिशिंग के लिए और मेरे साथ रोमिना और विवान नहीं है, क्योंकि विवान को हर थोड़े देर पर दूध चाहिए और उसे कुछ खाने को चाहिए, तो वो छोटे से बोट पर और समुद्र के बीच में बहुत मुश्किल है। तो मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरे एक बलूच फ्रेंड है, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप भी इस वीडियो के थ्रू आप यहाँ के एक छोटे से फिशरमैन की लाइफ देख सके। तो मेरे फ्रेंड आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये है हामिद भाई, बलूच है। तो हम लोग निकल रहे हैं 30 की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता। छोटा सा चेक पॉइंट ये इसलिए बनाया है ताकि लोग यहाँ पर बोट के थ्रू कोई सामान स्मगल करके अंदर ना ला सके, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से बहुत ही नजदीक है। तो हम पहुँच गए ये छोटे से फिशरमैन पोर्ट पर। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे छोटे बोट खड़े हैं। तो ये आपने छोटा सा पोर्ट देखा जो यहाँ के छोटे मछुआरों के लिए बनाया गया है। अब ये कैसा है वो बात अलग है, क्योंकि पूरा सिस्तान बलूचिस्तान बाकी ईरान से काफ़ी अलग है। तो ये था पोर्ट और अब आपको दिखाने जा रहे हैं ये है दरिया कोचिक, गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन। ये हमारे हामिद भाई और सब सामान बोट पर रख रहे हैं। बेरे बाहर रहत का अभी अपना सेटअप कर रहे हैं और इसमें अभी ये पेट्रोल भरेंगे ताकि मोटर ऑन हो सके। हर दिन का यही एक झंझट है। We are all set to go.
ना भला दी। अरे भला दा पर खैले खूब दिस से मुश्किल है यार फरक इंजरी बुक हो मत। हमने जगह सेलेक्ट किया है और हामिद भाई ने लंगर नीचे फेंक दिया है ताकि ये बोट इधर उधर मूव ना करे। अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, अगर कुछ पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर लोकेशन चेंज करेंगे। और आप ये जो सामने पोर्ट देख रहे हैं ये वही पोर्ट है जो इंडिया ने लीज किया है, जो इंडिया ईरान और अफगानिस्तान ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है ये वही पोर्ट है। आप वाला है खूब بال میں سوتا ہوں اور اب بگاڑ دوں بال میں بلی کیونکہ مجھے یہ کام اپ نے نہیں چیز کی ہے یہ نشون دے اب وہ پھر وہ گلالو ہے اے تمام سارے ہی بھائی اپ گلالو ہے یہ اپ واش جائے کہ اب ابھی واش ہے مائی مجھے نگاہ نہیں دار یہ تو ہم جی ہاں ابھی واش ہے ارے جن نگاہ نہیں کریں گے میرے سے کہ نہیں کریں گے کیا ہونا ہے ये स्क्विड है, स्क्विड फिश। स्क्विड आरे मम्माई मरक्का बेश मिगिन स्क्विड हम तरफ बंदर बेश स्क्विड मिगा बेज़बान महली मुनी नू मम्माई मरक्का मिगा। अभी हामिद भाई इसे चारे के लिए काटेंगे ताकि इसे काटे में फंसाया जा सके। कुछ तेरा क्या अंदर बेश है रात बतूले माई اول سری که میخوای مایی رو کلک بزنی سر مایی رو کلا بذاری حالا مایی آقل خوشیار دانا خب مایی رو کلک بزنی نمیشه مایی گرفته و الان سخت شده چجوری که آدم هاش خوشیار شدن بله مایی رو نجوری خوشیار شد انسان چجوری مشکل بر بخوری میگه کمک کمک صدای در میاد این کمک کمک مایه دوروری هرچی هست احساس خطر میکنه فرار میکنه ولی گوششون حواسشون سه ثانیه ولی هرو مایه فراموش میکنه که من حالا این کلا رو گرفتم منو گرفت فراموش میکنه دوباره میاد همینو نک میداره این درست کردم برای شما سرسلام آب
जिसका नाम कोल्ला पीदे नशे मछली पकड़ने के लिए अच्छा खासा सब्र चाहिए। सभी लोग अपना लोकेशन हमेशा चेंज करते रहते हैं ताकि वो मछलियों का मूवमेंट पता कर सके और बेहतर तरीके से पकड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सके। बोट को खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी कम है तो मोटर तो खींच के ला नहीं सकता, यहाँ पर उसका प्रोपेलर रेत में फंस जाएगा। ये बोट पोर्ट पर लग गई और जो हमने मछली पकड़ी ये है, कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी वापस आ गए। बट यहाँ पर लोग सवेरे निकलते हैं, शाम तक रहते हैं या फिर शाम को जाते हैं, पूरे रात भर रहते हैं और सवेरे वापस लौटते हैं। फाइनली लौट आए, हम हैं अभी फिशरमैन पोर्ट पर और आपने एक फिशरमैन की लाइफ देखी यहाँ पर, वो कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं। ईरान की एक कहानी है और इस प्रोविंस की अपनी एक अलग से कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। होप टू सी यू अगेन इन अनदर वीडियो एट अनदर प्लेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ पर मछुआरे अपने मछली जो पकड़े हुए होते हैं वो यहाँ आके बेच सकते हैं। हमारे हामिद भाई भी यहाँ पर आए और जितना उन्होंने पकड़ा था उन्होंने यहाँ पर बेचा, तकरीबन 5 किलो हुआ और उनके यहीं से वो पैसे उनको मिल जाते हैं यहाँ पर।